देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और आज हमारी पूरी टीम पहुंच गई है अमेठी। अमेठी के मुसाफिर खाना के एक गांव में हम पहुंच गए हैं और यहां की जो महिला है यानी कि आदि आबादी, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आदि आबादी जो हम 3:30 बजे रोज आपके लिए लेकर आते हैं, उसी प्रोग्राम के लिए आज हम यहाँ की आदि आबादी से बात करेंगे यानी कि महिलाओं से बात करेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक महिला कर रही होती है तो उस क्षेत्र की महिलाओं की बातें वो भली बात ही जानती है, उस क्षेत्र की महिलाओं की बातों को अच्छे से सुन सकती है क्योंकि सीधी साधी बात है कि वो भी एक महिला ही है। तो अगर कोई महिला किसी भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है तो उस क्षेत्र की महिलाओं की सारी बातें, सारी समस्याओं को वो अच्छे से समझ सकती हैं। और यहाँ का नेतृत्व करने वाली महिला है स्मृति ईरानी। जी हाँ, आपकी अपनी स्मृति ईरानी। कई महिलाओं ने स्मृति ईरानी को जाना क्योंकि सास भी कभी बहुती से, जहां पर उन्होंने तुलसी का किरदार निभाया था, उसके बाद से महिलाओं के मन में स्मृति ईरानी ने एक बहुत बड़ी जगह बनाई। वहीं अमेठी में पिछले 10 साल से स्मृति ईरानी सांसद है। अब यहाँ की महिलाओं से जानेंगे कि उनके मन की बात क्या है, वो अपनी स्मृति ईरानी के बारे में क्या सोचती हैं और उनके बारे में वो कितना सोचती हैं। इनके मन की बात जानेंगे और जानेंगे कि यहाँ की आदि आबादी क्या चाहती है, किस मुद्दे को लेकर वोट करने जाएगी। नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। क्या नाम है आपका? सैल कुमारी। तो सैल कुमारी जी, ये बताइए, आप यहाँ रहती हैं इस गांव में, आपको क्या लगता है किस मुद्दे को लेकर आप वोट डालने जाएंगे और यहाँ के ऐसे क्या क्या मुद्दे हैं जिनको सुधार की अभी भी जरूरत है? सुधार चाहते हैं कि जो है कुछ मोदी कुछ करें ना, मतलब जैसे लड़के हैं उनके लिए कुछ कहीं खोलें, नौकरी के लिए जैसे बच्चे आजकल टहर रहे हैं उनके लिए बिजनेस कुछ बनावें, एक कहना चाहती हूँ कुछ सुविधा दें। हाँ, और क्या क्या मुद्दे हैं जो मौजूदा सरकार के आपको लगते हैं कि बदलाव होने चाहिए? नहीं, बदलाव महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है? नहीं, बहुत किया है महिला किया है। हाँ, किया है। कोई किसी भी सुविधा, कोई भी सुविधा है, सुविधा मिली है। हाँ, सुविधा। अच्छा, देखिए मौजूदा सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली गई हैं, तो क्या किसी भी योजना का लाभ आपको मिला है? जैसे जल घर योजना, उज्ज्वला योजना और बहुत सारी महिलाओं की तमाम योजना है जो सरकार ने निकाली है, किसी योजना का लाभ कभी लिया है? हाँ, लिया है जी। किस योजना पर आपने लाभ लिया है? अरे बहुत किए हैं, देखो सब गरीबों का अनाज मिल रहा है और गैस मिल रही है। हाँ, और लड़ाई झगड़ा ये सब दंगा कम है, गुंडा राज भी कम हुआ है और बहुत कुछ किए हैं। क्या लगता है महिलाओं की सुरक्षा में बदलाव है? हाँ, बिल्कुल बदलाव है। ठीक है, और महिलाओं के पास जाएंगे। दादी जी यहाँ बैठी, अम्मा राम राम। क्या आपका नाम है? हमारा सरस्वती नाम है। सरस्वती नाम है आपका। अच्छा, ये बताइए सरस्वती जी, आपको अपनी तुलसी कैसी लगती है? बच्ची महका था तुलसी और का। आपकी जो सांसद हैं यानी कि स्मृति ईरानी, जिसको आप तुलसी से भी जानती होंगी, क्या लगता है कि उन्होंने कितना काम आपके क्षेत्र में किया है? अरे सुधार तो मनाई पब्लिक का सुधार मंगवे करत है। हाँ, और का कैसा सुधार चाहिए आपको? क्या आपको लगता है बदलाव? बच्ची हम तो का बताई। हाँ, जी दोनों है भंसा करा था। अच्छा, चलिए ठीक है, और लोग के पास रहेंगे, आप बताइए। अरे उनका सब कह दिया, हम कहा बताइए। हाँ, आपको क्या लगता है बताइए? तो सही लगता है, जो किया है तो सब सही है। हाँ, अच्छा है, बदलाव भी है, जो उन कुछ मिला है बहुत मिला है, लेकिन कि थोड़ा अब लड़के बच्चे घूम रहे हैं, गरीब मनाई हैं, कुछ तो जरूर कमाने खाने के लिए रोजगार मिले। हाँ, घर द्वार मिले हमका सबका, कुछ यही सब चाहते हैं। आपको? नहीं, कुछ नहीं मिले हमको सब, कुछ नहीं मिला। तो आप कह रही हैं मिला है सब? नहीं, मतलब ये तरह राशन पानी यही सब मिल रहा है, कॉलोनी सालोनी तो कभी नहीं मिली हमको सबको। तो क्या लगता है अमेठी के क्षेत्र में आप रहती है, गांव में रहती है, यहाँ किस बदलाव की जरूरत है? और जो मौजूदा सरकार है लगातार दावे करती है कि महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं दी हैं, आदि आबादी को पूरा हक दिलाने की बात ये सरकार करती है, आपको लगता है? हाँ, बहुत लगता है हमको। जैसे ऐसा लगता है कि मोदी ने बहुत कुछ किया है, कि उस माँ को मुझे धन्यवाद देना चाहिए जिसने सरकार को जन्म दिया और भगवान को मंदिर बन गई। हाँ, है श्री राम, और श्री राम को मंदिर बन गई। हमारे गांव में कोई नात बात नहीं आता था, बहन बेटियां की यहाँ वापस चले जाते थे, लेकिन यहाँ रोड बन गया, हम सब झूरे झूरे जाते हैं, अच्छे से आते हैं, हमारी बहन बेटी जाती है स्कूल पढ़ने के लिए और अच्छे से आती है, मतलब राशन भी मिलता है। अच्छा, महंगाई भले है
लेकिन राशन मिलता है फिर सरकार दे रहा है, गैस भी मिली है मोदी की तरफ से, ऐसा है सब कुछ अच्छा भी मिल रहा है। हमारी बहन बेटी खुले में आती हैं जाती हैं, सब राशन आपको नहीं मिला, गैस वैस पाए नहीं तो कहा बता दी कहा पाए आपको गैस उज्ज्वला योजना के तहत वगैरह कुछ नहीं मिला? नहीं। तो आपको क्या लगता है कि वोट करना चाहिए आपको इस सरकार को इस बार? हाँ तो चाहिए तो ये हम करेंगे। हाँ हमारे गांव के रोड बने खूब अच्छे से। अच्छा ये बदलाव हुआ है? बन गया है मेरा, लेकिन घर नहीं बना है मेरा, अभी भी खपड़ा चूरा है, लेकिन सभी मोदी को धन्यवाद देती हूँ। ठीक है आप बताइए आपको क्या योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ मिला है सर, मिला है आपको। किस योजना का लाभ मिला है? राशन मिलता है, गैस मिल चुकी है, रोड भी बन चुका है, हाँ हर चीज की सुविधा है। कोई नाराजगी है सरकार से या फिर महिलाओं को लेके क्या मुद्दे? नहीं नाराज नहीं ना, सब धन्यवाद है। राम जी का मंदिर बन गया और जौन है सबसे बढ़िया वो होगा। राम जी का मंदिर ही एक विकास है क्या? और कितने मुद्दे महिलाओं के हैं जो बदले हैं ऐसा बताइए? और बदला है जो सब चीज सही ना है। हाँ न गैस मिली है हमको, सबको गैस नहीं मिली भाई। हाँ न कॉलोनी मिली है जौन है, नहीं ये सब मिला है नहीं। स्मृति जी कहती थी पहले कि 400 रुपए का सिलेंडर पे उन्होंने बहुत विवाद बहुत धरना दिया था, लेकिन अब 1200 रुपए का है। हमको सबका नहीं मिला सिलेंडर। नहीं आपको सिलेंडर मिला? तो आपने वो फॉर्म वॉर्म भरा था सिलेंडर के लिए, ये उज्ज्वला योजना के लिए? हाँ एकदम भरा रहा भाई, दूधा भरी है तब ना आया। नहीं मिला? मिला। आप बताइए, आप तो यहाँ के काफी पुरानी लग रही हैं मुझे, तो क्या आपको लाभ मिला है यहाँ पे रह के? मतलब कॉलोनी हमें मिली है, लोहिया मिली है, यहाँ राशन मिलता है, लाल कार्ड है हमारा, हाँ सब मिलता है। मतलब सिलेंडर नहीं मिला तो हम अपने आप से फिर जिसे काम नहीं चला। सरकार है बीजेपी की, आपको कितना लगा के बदलाव है? नहीं ढेर बदलाव है, सांसनिया है सबका होकर, सब चीज के सांसनिया है, सब चीज है। हाँ पहले से बहुत नहीं बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत बढ़िया। जैसे पहले मतलब जैसे लड़ाई झगड़ा दंगाबाजी, लेकिन उससे सबसे सब मतलब बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ बढ़िया, लड़ाई झगड़े हाँ नहीं 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 होते हैं। और जाएंगे यहाँ पे कुछ युवा हैं, बच्चियां मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चे जो होते हैं ना मन के सच्चे कहलाते हैं और बहुत अच्छे से चीजों को भाप पाते हैं, तो शायद इन बच्चों से बात करके पता चलेगा। क्या नाम है बेटा? गौरी तिवारी। कितने साल की हो? 17। अच्छा एक साल बाद वोट डालोगी? अभी नहीं मतलब 18 की, तो एक साल बाद होगी तो अगले वोट में डाल पाओगी। अच्छा ये बताओ कि आपको सबसे पसंदीदा नेता कौन सा है? मोदी जी। मोदी जी क्यों है? क्योंकि वो बहुत सारे काम करते हैं हम लोगों के लिए, राम मंदिर बनवाए उन्होंने और ये सड़क वड़क भी सारी चीजें उन्होंने उपलब्ध करवाई हम लोगों के लिए। अच्छा शिक्षा की बात करते हैं, स्कूल पढ़ती हो? तो जो स्कूल है सरकारी स्कूल है प्राइवेट है? प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल है। अच्छा शिक्षा व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो क्या लगता है कि कितना बदलाव की अभी जरूरत है आपको? क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बदलनी चाहिए? वहीं घर से निकलती हो जब बाहर जाती हो तो सुरक्षा को लेके क्या आपको लगता है कि बदलाव हुआ है पहले से? सुरक्षा तो बहुत अच्छी है, पर हम जनरल वालों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम लोगों को उतनी छूट नहीं मिलती है। जो एससी वाले होते हैं उन लोगों को कम फीस देनी पड़ती है और हम लोगों को ज्यादा देनी पड़ती है, हम लोगों के लिए गलत हो रहा है ना हम लोगों के साथ, ये शिकायत है। तो इसके लिए थोड़ा कम करना चाहिए जनरल वालों का, जनरल वालों के लिए सरकार को सोचना चाहिए। और क्या? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम छवि तिवारी है। छवि तुम कितने साल की हो? हम तो 14 साल के। कौन सी क्लास में? 8 में गए हैं। अच्छा तुम भी प्राइवेट में ही पढ़ती हो? जी मैम। अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि बाहर जब जाती हो, बाहर की दुनिया में जब निकलती हो, तो क्या बदलाव हुए हैं तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे गांव में, और कौन सा नेता तुम्हें पसंद है? मुझे योगी जी। योगी जी पसंद है? अच्छा योगी जी क्यों पसंद है? योगी जी ने कैसे बहुत सारी गायें पहले पकड़ी जाती थी जानवर उनको, हाँ और उनको मारे जाते थे, अब ये सब कुछ नहीं है। अब उन्होंने से गाय और बच्चों के लिए सेवा के लिए गौशाला बनवाया है और उन्होंने भी राम मंदिर में भी करवाया है और इस वजह से हमें योगी जी पसंद है। तुम्हारा क्या नाम है? श्रेया। और तुम्हारा फेवरेट नेता कौन सा है? मोदी जी। क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है हम लोग के लिए। बहुत कुछ में दो तीन बात बताओ जरा मुझे। उन्होंने मंदिर भी बनवाया है, ठीक है, और मतलब की हम लोग के लिए बहुत सुविधा किया है, बहुत सुविधा किया है, सुरक्षा में आपके बदलाव किए हैं। एक और बता दो कोई, और बता दो डरो मत नेता, तुम्हारा मतलब मोदी जी तुम्हें इतना पसंद है तो बताओ। हमारे गांव में सड़क मतलब बनवाई है। सड़क आपके गांव में उन्होंने बनवाई है? अच्छा आपका क्या नाम है? प्रतिमा तिवारी है। तो प्रतिभा जी आप बताइए कि क्या है आपके अमेठी के मुद्दे, महिलाओं को लेकर क्या बदलाव की आवश्यकता आपको लगती है?
महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किए हैं, सबके लिए अच्छा किए हैं मोदी जी। और सबसे अच्छा तो राम मंदिर और काशी विश्वनाथ, ये सब हम लोग को बहुत पसंद है, इसलिए हमको मोदी जी बहुत पसंद है। इसलिए आपको मोदी जी पसंद है। विकास की अगर बात करें, सबका साथ सबका विकास में कुछ आपको लगता है? हाँ, विकास के बारे में मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, इसलिए हर जगह जहाँ देखिए, हमने जहाँ जहाँ देखा है वहाँ मोदी जी ने बहुत अच्छा विकास किया है, हर मंदिर में हर वहाँ, इसलिए मोदी जी ने बहुत, इसलिए मैं उनको वोट देना चाहती हूँ, उनको वोट देना चाहती है। महिला सुरक्षा और महिलाओं को बढ़ावा देने पर भी ये सरकार जोर देती है, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है बेटा, क्या बताएं। और महंगाई चाहे जो कुछ हो, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान फिर आ जाए यहाँ पे। हाँ, इसीलिए हम मोदी को ही वोट देंगे, वो भी पसंद है सबसे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बड़ी औरतें जो हैं इकट्ठी बात कर रही हैं, तो यहाँ इकट्ठे बात करने से अच्छा है मेरे साथ बात कर लीजिए। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगी? अरे कहना, हमका सपन कॉलोनी मिली और नका नाली वाली कुछ तो बन सके, तो हम नहीं कुछ नहीं मिला, कम से कम कॉलोनी बोली कोनो तो मिल जाए। हाँ, रोड जाना बन गया, पानी भरा रहा था। हाँ, पानी भरा रहता है। हाँ, पानी यहाँ गया। यही की महिला कह रही है कि रोड बनवाई है उन्होंने, काफी बदलाव किया है। अरे रोड बनवाए हैं, इतना पानी कुल भर जाते, गेहूँ किसानी के मार खाए जाते, वो भी नहीं कह रहा था। ये कम से कम कुछ तो व्यवस्था करें मोदी, सबका एक तरफा हम सबका लैटरिन दिए, कॉलोनी दिए, नाली वाली बनवा, कोनो चीज तो बनवाओ। क्या कह रही है? अरे मतलब वो बन जाए, प्राइमरी स्कूल बन जाए बच्चन के बड़े छोटे छोटे, बहुत दूर जाए पड़ा था, और मेहरवन का कोनो रोजगार मिल जाए, जैसे कोनो काम नहीं ना, तो चले वही काम करें थोड़ा मोरा, अपन दो चार पैसा, मतलब जैसे अपन समझे तो यहाँ अपन पैसा अपन आ जाए। इसे हमें शराब बंद करा दिए, शराब बंद करा, वो चीज बंद करा दिए, बहुत अच्छा है। आपकी वजह से दुखी लग रही है औरतें, बहुत बनाते है शराब से। आपके तो कुछ ठेके इस सरकार ने बंद करवाए, क्या बंद करवाए, तो सरकार तो बंद करवा दिया है, लेकिन आदमी नहीं बंद कर रहा है। बहुत शराब तो बंद कर दिया, दुनिया बंद हो गई है। तो और कितनी यहाँ पे महिलाएं हैं जो ये चाहती हैं कि ये जो सरकार है वो शराब बंद करा दे? हाँ तो सही है, बंद करा दे तो अच्छी बात है। हंस रही है कि यहाँ महिलाएं जो है ऐसा हंस रही है, क्यों हंस रही है? अरे जो उनका जो शराब बंद हो जाए, शराब बंद हो जाए, परेशान है मुझे लग रहा है। मुझे परेशान है जो शराब पीते हैं तो उन्हें घर में आग बमकते हैं, तो इसलिए वो करे शराब बंद जाए, इसलिए बंद हो जाए। हाँ, बंद हो जाए। तो ये बात कही है योगी जी से, ऑन कैमरा कह दीजिए कि भैया भाई जी शराब जरा बंद करवा दीजिए। हाँ भाई, तो कहा पर्वा करे आए भाई, गाली क्या दूं? जो आपके मन से ना बंद है तो गाली दे, बंद करी है ना, बंद करी कभी। आप भी चाहती हैं ऐसा? नहीं, मैं नहीं चाहती। अरे ये नहीं चाहती हैं, क्यों? आपको जो मर्द जो करेंगे वही करेंगे। हाँ, लेडीज कहे थोड़ी करेंगे, तो कोई फायदा भी नहीं है, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ और चले जाएंगे, और कहीं चले जाएंगे। अच्छा, ये तो है मुद्दा। हाँ, क्या कुछ कहना है? हाँ मैम, हमें ये कहना है कि ऐसे सरकारी स्कूल में पहले बहुत पढ़ाई होती थी, अब ना उधर सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। अच्छा। और स्कूल में फीस भी ज्यादा है। फेवरेट मोदी है, योगी है ना? हाँ, तो आपके योगी तो ये बोलते हैं कि योगी जी ये बोलते हैं कि जो सरकारी स्कूल है सारे, उसमें बहुत व्यवस्था कराई गई है। जी अभी तो हम, अभी हम एक साल गए थे वहाँ पर, देख के आए थे, तो वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी और सब बैठते थे, मतलब टीचर्स लोग भी बैठती थी देखती थी, पर वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी। और यहाँ हम दीदी स्मृति रानी जी को भी ये भी कहना चाहते हैं कि वो स्कूल में भी ऐसे बहुत फीस है और किताबों में भी बहुत ज्यादा फीस है, इसमें भी कम करवाएं और किताब भी इसमें भी कम करवाएं। चलिए ठीक ठीक है। राम राम मम्मा। हमको कॉलोनी नहीं। आपको क्या चाहिए? कॉलोनी। कॉलोनी मतलब आवास योजना की आप बात कर रही हैं। तो मोदी जी से आवास योजना आपको नहीं मिली? आपके घर में कितने लोग हैं? बेटवा है, बहरियाना है। राशन मिलता है आपको 5 किलो? राशन भी नहीं मिलता, तो कैसे किसको आप मतदान करने जाएंगे? क्या आपके दिमाग में है, किसको मतदान करती हैं? अभी किसको करेंगी लोकसभा चुनाव में? बताई बताइए, हमारे भाई तो कुछ ना हमको मिला नहीं, मिला है कुछ भी? अच्छा ठीक है। और एक सेकंड करें स्टार्ट।
हाँ जी, अच्छा एक बात बताइए कि पहले जो महिलाओं के साथ बड़ी परेशानी थी, शौचालय की परेशानी, ठीक है, कि आप लोगों को बाहर जाना पड़ता था, खेतों में जाना पड़ता था, खुले में शौच करना पड़ता था, लेकिन मौजूदा सरकार ने महिलाओं के बारे में सोचा और घर घर शौच की व्यवस्था कराई, इस बारे में मुझे बताइए क्या कुछ बोलना चाहेंगे। बहुत अच्छा हुआ बेटा शौचालय बन गया, नहीं तो रात बिरात मान लो है लैट्रिन लगे कुछ भी हो तो बाहर जाने में डर ही लगता था। हाँ, लेकिन अब वो खत्म हो गया और बहुत सी सुविधाएं हो गई हैं बेटा। हाँ, राम मंदिर बन गया अयोध्या में। शौचालय के लिए बताइए कि पहले एक व्यवस्था थोड़ी खराब थी ना, कि महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था, बहुत सारी अलग अलग चीज होती थी, लेकिन ये मुहिम चलाई गई बकायदा सरकार की तरफ से कि हर घर शौच की व्यवस्था कराई जानी चाहिए, इससे बताइए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, घर घर में दो शौचालय मोदी जी ने कर दिया है, इससे हम लोगों को बहुत सुरक्षा है। रात में जाते डर लगता था, सामने भी कोई आ जाता था भागना पड़ता था उठ के, और अब कोई चिंता नहीं है, डर भी नहीं लगता है, मतलब अपने जब भी जा सकते हैं। जी बताइए। शौचालय मिला है? हाँ, शौचालय मिला है, कोनो डर नहीं, मतलब जैसे उस मैंने इधर उधर भागत रहा, मतलब अब अपने घर में सब बन गया है, इसे अच्छा है। हाँ, शौचालय भी मिला है और मतलब कि वो राशन मिल रहा है हर महीना, और गैस मिली है, यही सब है, सब ठीक है। हमें सबका गैस नहीं मिली है, कुछ आदमी पाए हैं बेटा, कुछ लोग नहीं मिला, कुछ लोग नहीं मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला है। घर सिलेंडर आ जाता है, पहले फोन कर दो, बस कोई सुविधा नहीं है, क्या कुछ ना है, हम लोग को हमका कुछ ना मिला, कॉलोनी चाहिए ना, कुछ नहीं। राशन कार्ड है आपका? नहीं। तो कैसे पाएंगे राशन? तो पहले बनवा रहे, कटा नहीं सब, कैसे जब तक देखिए राशन कार्ड नहीं बनाएंगे, राशन आपको कैसे मिलेगा? राशन कार्ड रहन बका काट दें, काट देते हैं। हाँ, अच्छा, तो महिला सुरक्षा की बात करते हैं कि महिला सुरक्षा पर भी काफी सरकार दावे करती है, महिला सुरक्षा में कहीं ना कहीं ये शौचालय भी आता है, क्योंकि सुविधा शौचालय बीजेपी की सरकार ने ही मुहिम चलाई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे शौचालय मिला था, लेकिन 12,000 रुपया हमको मिली थी, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं मिला था। जब जो थोड़ा बहुत करके ऐसे बनवाया था, पीछे में हमारा लड़का भी बीमार हो गया, उस पर थोड़ा बहुत पैसा खत्म हो गया था, चुक गया, शौचालय भी गिर गया। अब अपनी कोशिश करेंगे, कमाई करेंगे तो बन जाएगा। घर में नहीं है अभी शौचालय? मेरे घर में नहीं है। तो आपको बाहर जाना पड़ता है? बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, ये समस्या आपके साथ है, आप बताइए। हमारे भी शौचालय नहीं है, बाहर जाना पड़ता नहीं है। बच्चा, आपके घर में लड़कियां हैं? हाँ, लड़कियां हैं, लड़का है। तो घर घर शौचालय की व्यवस्था जो करवाई गई थी और मोदी सरकार का ये मुहिम थी, उसके द्वारा शौचालय आपको नहीं मिला? नहीं, नहीं शौचालय नहीं, हमारे लोग बाहर जाते हैं सर, सब बाहर जाते हैं, सब बाहर जाते हैं। ये बच्चियां मुझसे कुछ बात करना चाह रही थी, शायद कुछ कहना चाह रहे थे आप लोग। हाँ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, सबसे अच्छा तो ये हो गया बेटा, जो बहन भाई का त्योहार आता है राखी, हाँ, बताओ जिसके पास पैसे नहीं हो, मजबूरी में नहीं जा पाती हैं, लेकिन सरकार ने फ्री कर दिया बेटा। हाँ, सब खुशी से जा के बांध, अब आराम से त्योहार। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। हाँ बेटा, यही बहुत अच्छी बात की है भाई। और अपनी अपनी सांसद जो है, फिर भी हम वोट नहीं देंगे। आपकी मेनका गांधी जो सांसद हैं आपके, उनसे क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए कोई